क्रिकेट फैंस बड़े अजीब अजीब होते हैं। क्रिकेट के चाहने वाले, उनके लिए क्रिकेट एक धर्म है। क्रिकेट में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। अगर सचिन जीरो पे आउट हुआ तो टीवी पे लात मार देंगे करंट लगे। अगर धोनी को किसी ने गाली दिया तो उसके दांत तोड़ देंगे। एक दिन तो मैंने देखा मेरे दरवाजे से कोई ग्रुप जा रहा था, झुंड का झुंड। मोहल्ले में मैंने देखा लड्डू सिंह, ननकौ, छुट्टन, पुत्तन, सब रॉड सलिया लिए हुए, फावड़ा बेलचा कुदाली लिए हुए। हमने कहा जा रहे भैया, ये धोनी बहुत खराब खेले हैं, 2-3 मैच से कभी 0 रन बना रहे हैं, कभी 2 रन, कभी 3 रन बना रहे हैं, इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। हम लोग रात रात जाग जाग के मैच देख रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए हैं, हम जा रहे हैं धोनी का मकान गिरा दे। 2 दिन बाद मैंने देखा वही ग्रुप फिर जा रहा है, सलिया लिए, फावड़ा लिया। हमने आज कहाँ जा रहे हो, आज तो धोनी बहुत अच्छा खेला है, जबरदस्त खेला है, इंडिया जीत गई है। हाँ हाँ, तो वही जो मकान हम लोग गिराया रहा वही फिर से बनावे जा रहे हैं। क्रिकेट तो इतना आगे निकल गया है, अब इसका लौटना बहुत मुश्किल है, ये अब बस अपने हाथ से ही निकल गया है। क्रिकेट जब इंडिया में आया नया नया, 5 दिन चलता था टेस्ट मैच, 5 दिन लोग बैठे हैं खाने का डब्बा अब्बा लेके, ऑफिस में लोग गायब, कॉलेज में लड़के नहीं, ऑफिसर गायब, नौकरी में कोई नहीं, सब ऐसे ऑफिस खाली, सब बैठे हुए ग्राउंड में। खेलो खोलो, तुम भी खेलो, तुम्हारे पास टाइम बहुत है, हम लोग पास भी टाइम बहुत है। उसके बाद तरक्की हुई, लोग समझ में आया, समय की कीमत समझ में आई। वनडे आया, वनडे के बाद आया 2020 के बाद आप देखना आएगा 10-10 ओवर, फिर आएगा 5-5 ओवर, और फिर देखना टॉस करके हार जीत करके खत्म कर। समझे, चीयर गर्ल्स हैं ये। चीयर गर्ल्स कहां मिलती हैं? क्रिकेट के ग्राउंड में। 2020 मैच होता है, विदेश से बुलाई जाती है, इनको कोई बुलाता है, कोई चिट्ठी लिखता होगा तभी आती होंगी, अपने आप तो आएंगी नहीं। वो आती हैं और कमेंटेटर के पीछे कुछ इनका तखत होकर टेबल लगा के खड़ा कर दिया जाता है, जो नाचती, हम तो इन्हीं के लिए जाते हैं मैच देख। कैसे डांस बार बंद हो गए, अब शाम को मन लगता है कि कहाँ देखें नाच, कहाँ देखें, वहीं हम जाते हैं सब भैया लोग, वहीं 10-10 रुपए से लुटाते रहते। लेकिन एक लफड़ा है चीयर गर्ल्स का, ये पता नहीं चलता है किस पार्टी की तरफ से है, किस टीम के साथ है। वो टीम चौका मार रही तो भी ऐसे ऐसे करती है, ये टीम चौका मार रही तो भी ऐसे ऐसे करती है, उनका प्लेयर आउट हो गया तो भी ऐसे ऐसे करती है, इनका प्लेयर आउट हो गया तो भी ऐसे करती है। पता नहीं अपने माँ बाप को बता के आती है कि नहीं आती। शाबाश इंडिया, दिखा दिया। अरे वाह, इंडिया जीतती है तो मजा आ जाता है। अभी अजीब हुआ मेरे साथ, मैं फाइनल मैच देख रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टीवी पे, तभी हमारे गजोधर भैया बोले, कहा देख रहे हो, ये मैच देख रहे हो, अरे तुम लोग पगल हो, ऐसा कोई मैच हो ही नहीं रहा है, ये सब इंजीनियर लोग होते हैं कंप्यूटर से, क्या कहते हैं ग्राफिक्स, वही से बना देते हैं मैच, तुम लोग सोचते हो मैच हो रहा है, कोई मैच नहीं, ये सब पुराना उराना उलट पुलट के दिखाते हैं, और सब लोग पूरा देश का आदमी मैच देख रहा है। अबे भाई एक बार अजबी हो गया, अबे झूठ नहीं बोल रहे हो भाई, गजबी हो गया। फास्ट बॉलिंग करने के लिए भाई ईशान शर्मा आया, वो लंबे बाल वाला छोरा, और उसके एक्शन को देख के ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैरान परेशान हो गए। ईशान बाल निकाल लिया, कभी कभी ऐसे खींच लिया, कभी थूक लगा लिया, कभी ऐसे ऐसे कर लिया, कभी ऐसे ऐसे कर दिया, कभी ऐसे ऐसे कर दिया, कभी ऐसे ऐसे कर दिया, कभी कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। अबे ओपनर बैट्समैन लोग भाई पोंटिंग्स बोले, भाई मुझे वो डेंजर लग रही है। बोले डर क्यों रहा भाई, हेलमेट पहन ले, मजबूत हेलमेट ले ले, स्टील का है। और लो भाई वो बैट्समैन हेलमेट पहन के आया और उसने ऐसे बैट रखा, ईशान ने बॉल फेंका बोल्ड, दूसरा बैट्समैन हेलमेट पहन के आया बैट रखा, ईशान ने बॉल फेंका बोल्ड, जब तीसरा बैट्समैन हेलमेट पहन के आया तो अंपायर ने कहा एक मिनट स्टॉप, बैट्समैन कम हियर, ओ इधर आ जा भाई, ओ बैट्समैन की औलाद इधर आ जा, तू क्या चक्कर है भाई, तू ही बार बार आ रहा है, क्या चक्कर, मैंने अभी पहचान लिया, तू क्या अकेले खेल लिया टीम में। भाई वो हेलमेट निकाल के बोला, क्या करें, इतना फास्ट बॉलर कोई आ ही नहीं रहा, मुझे ही बार बार भेज रहा है पॉन्टिंग।